अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, ये मोस्ट अवेटेड वीडियो आ गए हैं आज, और बहुत सारे लोग मुझे डीएम्स कर रहे थे इंस्टाग्राम पर भी। और ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो मैंने जल्दी से बनानी थी और बस बना डाली, और ड्रेसेस स्टिच होने में थोड़ा टाइम लगा। और जी, मेरा ये न्यू सेटअप देखिए, ये मैंने यूट्यूब से ही कहीं से कॉपी शॉपी किया है, बोंगियाँ मारी हैं, क्योंकि वजह ये थी कि जो पहला मेरा बैकग्राउंड था वहाँ पे इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए ये जो डोर है इसके आगे ये हैंगर इस तरह से हैंग किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ड्रेस की बात करते हैं। ये जैकार्ड का है, लाइमलाइट की शर्ट है। आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ शॉपिंग हॉल में, आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला है। नेक देख रहे हैं आप, इस तरह से मैंने लैदा से जो बैंड होता है वो बनाया है, और उसके ऊपर ये एंकर का धागा जो है उसकी पट्टियाँ, ये लाइनें लगाई हैं, मतलब सिलाइयाँ लगाई हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लगता है और डिफरेंट सी लुक आ जाती है। नीचे प्लेकेट सा बनाया है, और इसके ऊपर ये लटकन या टसल्स जो भी आप कहते हैं वो बस चार ये दो दो करके लगाई हैं। ये ड्रेस जो है ये फॉर्मल तो नहीं, लेकिन सेमी फॉर्मल लुक में भी आ रहा है, और आप कैजुअल भी पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी स्टिचिंग हुई हुई है, और शर्ट आप लोग देख चुके होंगे लाइमलाइट से ली है और शॉपिंग हॉल में भी है। और इसके स्लीव्स देख लीजिए, स्लीव्स पे थोड़ी सी फैंसी लेस लगाई है ताकि इसके लुक और अच्छी आए और थोड़ा सेमी फॉर्मल लुक आए, सही हो गया। और शर्ट की नेक कुछ इस तरह से है। ये समर्स के ड्रेसेस में भी मैंने ये नेक बनाया था और आप लोगों को इसके साथ वीडियो शेयर की थी। दामन देखिए, मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, और जो साथ से फैब्रिक उतरा था वही मैंने अंदर रेडीमेड की तरह जो पाइपिंग करते हैं नीटनेस के लिए वो कर दी, क्योंकि अगर मैं नीचे भी कोई लेसेस लगाती फिर ओवर ड्रेस हो जाता है, फिर आप कैजुअल वेयर नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने यहाँ पर बस बाजुओं पर थोड़ी सी ये लेसेस अटैच की थी, थोड़ी फैंसी फैंसी लुक आ जाए, सही हो गया। और इसके साथ दुपट्टा डाई करवाया है ये वाला कलर का, जो इसका बेस कलर है, और इस पर भी लाइट सी लेस लगवाई है, और साथ ये इसका ट्रोज़र देख लें सॉरी, अच्छा इसके जो ट्रोज़र है ये लिनन का है साथ, और ट्रोज़र मैच करना बहुत ही स्यापा है लाइमलाइट के कपड़ों के साथ, बहुत मुश्किल से मैच होते हैं। और ये इसके साथ जो दुपट्टा है इसके ऊपर चारों तरफ ये लेस लगाई है इस तरह से। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मेरा है samriaz54, और वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये शर्ट की बैक साइड है, और इस तरह से सिंपल साइज़ को स्टिच किया है, नीचे से कोई लंबी चौड़ी डिज़ाइनिंग नहीं की। ओके, सो गाइस कम टू द नेक्स्ट ड्रेस, ये वाली शर्ट देखें, ये वाली आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा डिटेल्स वगैरह। और ये लाइमलाइट का हिट कोड था उस, तो मैंने तभी बाय की। यहाँ पे देखिए, मैंने बोट नेक बनाया है और 7 बटन्स लगाए हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग 10, 12, 20 जितनी मर्ज़ी लगाएँ, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये देखिए बड़े अच्छे इसके साथ मैच हो रहे थे, ब्लैक एंड वाइट बटन्स मैंने लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शर्ट की लुक कुछ इस तरह से है। स्लीव्स देख लीजिए, स्लीव्स के आगे एक दो पट्टियाँ लगाई हैं जो बॉर्डर से उतरी थी, और 3 प्लेट्स डाले हैं, और पीछे जो है एक वाइट कलर की लेस लगाई है, जो कॉटन लेस है इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो ये वाली लगाई है, थोड़ी रेडीमेड लुक हो जाए शर्ट की। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिज़ाइनिंग नहीं की मैंने बाजुओं की, और ये वो क्योंकि स्वेटर्स पहने होते हैं तो इतना नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की अच्छी लगती है अगर कर लें आप तो। शर्ट की देख लीजिए ओवरला और लुक कुछ इस तरह से है, बहुत ही ब्यूटीफुल शर्ट है लाइमलाइट की, इसका प्रिंट बहुत ज़बरदस्त है। ये जो शर्ट का फ्रंट है इस तरह से देख ले, और इसके अंदर मैंने साइड पे पाइपिंग वगैरह नहीं की, और नीटनेस के लिए जो इसका फैब्रिक था इसके साथ से जो उतरा था उसको मैंने यहाँ पे अंदर लगा लिया ताकि रेडीमेड लुक आ जाए और नीट सी लगे, और पाइपिंग वगैरह बाकी नहीं की, और सिंपल इस तरह से शर्ट है। ये वाला ट्राउज़र मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में, ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको मैंने इसके साथ रखा तो ये इतना अच्छा मैचिंग हो गया, लग रहा था ये 2 पीस है, तो मैंने बस इनको 2 पीस बना लिया इस तरह ये ड्रेस, और साथ मैं वेयर करूँगी ब्लैक शॉल ब्लैक दुपट्टा, तो इस तरह 3 पीस ड्रेस बन जाता है। सो एक ड्रेस ये है, ये देख लीजिए आप, ये भी लाइमलाइट से लिया है, इसको भी शायद मैं शॉपिंग हॉल में दिखा चुकी हूँ, इसकी डिटेलिंग वगैरह, 2 पीस ड्रेस था, लास्ट ईयर लिया था मैंने, इसको स्टिच अभी कर रही हूँ। और ये देखिए नेकलाइन मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये वाला बोट नेक बनाया है, और नीचे प्लेकेट बनाया है इस तरह से, वी प्लेकेट जो होता है वो, और यहाँ पर जो 3-3 ये बटन्स हैं इनको सिंपल जो बटन होते हैं ये लगाए हैं इस तरह से, जो लुक है ड्रेस की बहुत अच्छी आ रही है। और इसके स्लीव्स देख लीजिए, स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की है,
ये वाली पट्टियाँ जो हैं बहुत ट्रेंड में हैं आजकल, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैंने भी लगा ली। ठीक है ना, अच्छी लग रही है ना। तो मसला ये था इस ड्रेस के साथ कि इसका फैब्रिक कम था, और मेरा सिर्फ नहीं बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम था। तो इसको मैंने कंप्लीट करने के लिए, इसकी लेंथ को कंप्लीट करने के लिए फ्रंट पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है जो इसके घेरे पे है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसकी लेंथ को कंप्लीट किया। ठीक है, और देखिए ये देखिए इस तरह से ना मैंने नीचे एक लेस लगाई जो इजीली मार्केट से अवेलेबल है, ये लगा के और नीचे मैंने फैब्रिक लगाया, इसके साथ मिला था ये, और नीचे जो है उसकी लेंथ के आगे पट्टियाँ इस तरह से लगा दी, और इस तरह डिज़ाइनिंग भी हो गई और जो है ड्रेस की लुक भी अच्छी हो गई, और बैक जो की जो लेंथ थी वो बिल्कुल ठीक थी। फ्रंट की मैंने शॉर्ट बना के इस तरह से डिज़ाइनिंग कर ली थी ताकि लेंथ भी पूरी हो जाए और डिज़ाइनिंग भी हो जाए। और इसके अलावा मैंने इसकी साइड पे जो सिंपल पट्टियाँ जो होती हैं वो लगाई हैं, सिर्फ नीटनेस के लिए, कोई पाइपिंग वगैरह नहीं की। शर्ट की बैक साइड देख लें, इस तरह सिंपल है, और स्लीव्स भी, ये कलर इतना प्यारा है लेकिन कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा। ये देखिए आप इसका ट्राउज़र कितना प्यारा है, ये हमने बाज़ार से मैच किया है क्योंकि टू पीस ड्रेस था। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो डिज़ाइनिंग की है ये दो प्लेट्स डाले हैं और दरमियान में ये एक लेस लगाई है। कलर बहुत अच्छी तरह मैच हो गया था इसका, और साथ नीचे प्लेट्स हैं, और सिंपल कैप्री ट्राउज़र बनाया है। ठीक है, ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की। और शॉल ये है, शॉल के साथ जो है ना ये बाज़ार से ही हमने लेस लगवाई थी चारों तरफ, क्योंकि ट्रेंड में है तो फिर ट्रेंड के साथ थोड़ा बहुत चलना चाहिए। तो ये लेस ज़्यादा नहीं लगवाई लेकिन कुछ कुछ ड्रेसेस की हमने इस तरह से कंप्लीट किए हैं। ओके गाइज, ये मेरी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।